अस्सलाम वालेकुम योर साहब। आज मैं बनाने लगी थी साबूदाने की खीर। मेरा मैदा ठीक नहीं है और मैं शुगर पेशेंट भी हूँ। मैंने इसी हिसाब से बनानी थी और साथ बच्चों के लिए भी बनानी है। ये बहुत हेल्दी होता है साबूदाना। मैं जब बच्चे मेरे छोटे होते थे तकरीबन 7-8 माह के, तो मैं इनको डेली देती थी। इनको तो मैं ऐसे चम्मच के हिसाब से बनाती थी कि बच्चों को 2 दफ़ा करके खिला देनी है फ्रेश फ्रेश बना के। मैं सीरिलैक वगैरह नहीं देती थी, जो इस तरह की चीज़ें देती थी। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया करूँगी। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शुगर के लिए कैसे इसको अलहदा निकालना है चीनी के बगैर और चीनी वाला। ये हमारी पूरी फैमिली के लिए ही मैं बना रही हूँ। ये 1.25 कप लेके साबुदाना मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था। इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ये अब फूल चुका है। और मैंने क्रश बादाम लूँगी, क्रश बादाम इसमें ऐड करूँगी। और ये 4 से 5 इलायचियों का पाउडर है। और तो चलिए आइए चलते हैं। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, जो मिल्क 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब मैं इसमें, दूध मेरा गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये साबुदाना जो भुगोया हुआ था। ये तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भुगोया था। ये छोटा 1.25 कप मैंने लिया है, जो 150 ml वाला होता है। और उसमें 1 कप पानी डाला था। इसको हमने पकाते हुए मुसलसल हिलाते रहना है। और जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खुराक है, हेल्दी फूड है उनके लिए। और जिनका स्टोमक वगैरह का प्रॉब्लम है और ये शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट के लिए मैं अलग-अलग से इसमें निकालूंगी। और मैं उसमें बता दूंगी, चीनी ऐड नहीं करूंगी उसमें। और जो शुगर पेशेंट के लिए मैं बनाऊंगी, उसमें वेट लूज करने वाले भी उसको ले सकते हैं, पर क्वांटिटी कम रखेंगे। खीर हमारी पक चुकी है। इसे पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। साबुदाना मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। जब ये दाना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मसलन इसके अंदर वाइट कुछ नहीं नज़र आता, तो उस वक्त ये पक जाता है। अब मकसद हमारा सिर्फ इसको गाढ़ा करना है, क्योंकि खीर गाढ़ी ही अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं इसको अलहदा अलहदा करके इसमें क्या क्या ऐड करना है आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आपकी हौसला अफजाई से ही आगे बढ़ सकते हैं। और कमेंट करके बता दिया करें कि कैसी है, कैसी बनी है और आपको पसंद आई है। व्यूअर्स, जी हमारा साबुदाना पक रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ 1 चुटकी के बराबर नमक। इससे यह है कि इसका टेस्ट, चीनी कम डलेगी और टेस्ट भी मज़े का आएगा। व्यूअर्स, मुझे ना स्टोमिक का प्रॉब्लम था, तो मैंने तकरीबन 3 साल तक मेडिसिन ली है। इतनी मेडिसिन ली है ना कि कोई हद नहीं थी। अब मेरा जिस चीज़ से सही हुआ है ना, एक तो मैं फिर मिर्ची छोड़ देती हूँ कि ये साबुदाने की खीर लेती हूँ, और दूसरा मैं, मुझे वेट लूज़ कर रही थी तो डाइटिशियन ने बताई हुई थी वो ओट्स हैं। वो झटपट में 2 से 3 मिनट में पक जाते हैं और वो खाना भी जी। और उनको मैं कैसे बनाती हूँ और क्या उसमें ऐड करती हूँ, अगर आप लोगों को वो टिप चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको ओट्स के बारे में बताऊँगी कि कैसे कुक करना है और कितनी मकदार लेनी है उसकी। व्यूअर्स, अब हम नमक हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें करती हूँ ऐड बादाम। बादाम मिक्स हो गए हैं। अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, तो फिर बाकी बच्चों में और क्या डालना है, मैंने अपने लिए क्या डालना है अंदर, ये देखिए जी, ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है। मैं इसको, शुगर पेशेंट हूँ मैं, एक टाइम में नहीं इसको खाऊंगी। ये मसलन जब मीठे की क्रेविंग होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ले लेती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ ये है खोपरा पिसा हुआ, और ये किशमिश है। ये थोड़ी सी मैं बच्चों के लिए, बच्चे इसको खुश होकर खाते हैं। और अब बारी आ गई जी बच्चों के लिए चीनी डालने की। ये देखें जी, इतनी मज़े की कि ये खीर बनती है ना, कि आप भी बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। छोटे बच्चों को तो जिस चीज़ पे लगा देंगे तो वो वही चीज़ खाएंगे, बड़े होकर फिर नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खानी, ये नहीं खानी।
व्यूअर्स, अब मैं अपने वाली को मीठा करने के लिए उसमें ऐड कर लेती हूँ सुकराल। बराए मेहरबानी के जो शुगर पेशेंट हैं वो इतना सारा एक दफ़ा में ना खा लें, एक दफ़ा में नहीं जो खाया जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी इससे, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड होता है, जो छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है या जो लोग एक्स्ट्रा स्लिम स्मार्ट हैं वो थोड़ा हेल्दी होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी ये वाला तो हो गया मेरा तैयार, अब ये बच्चों के, ये मियाँ साहब का और बच्चों का, इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर देती हूँ कि उनको देखने में लुक अच्छी आएगी तो वो खा लेंगे इजीली ना। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।